और आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी और मेयर प्रत्याशी अंजू भट्ट ने कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार जोरों पर है। लखनऊ नगर निगम में बड़े स्तर पर अवैध पार्किंग चल रही है और वहीं आरोप लगाते हुए वैभव माहेश्वरी ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है उसको लेकर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। लखनऊ नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ₹40 करोड़ लेकिन घर से कूड़ा नहीं उठा। सफाई का पैसा क्यों लेते हैं फिर आप? हाउस टैक्स का पैसा क्यों लेते हैं फिर आप? ऐसी दुकानें हैं, अवैध दुकानें हैं, जिन्हें किराए पर दे रखा है LMC ने, लेकिन उसका कोई हिसाब आज तक नहीं दिया गया कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। और एक मुद्दा है राणा प्रताप रोड पे, जॉबलिंग रोड पे, जो कि क्रॉसिंग के पास है, वहां पर 2 फाउंटेन लगाने की बात हुई थी। 2 फाउंटेन का खर्चा बताया गया था लगभग 12 लाख। आज तक किसी ने वो फाउंटेन देखा? उद्घाटन के लिए तो गए थे बट वो फाउंटेन है कहाँ, लगे किसी को दिखे? बस शहर के सुंदरीकरण के नाम पे आप सिर्फ चीजें प्रस्ताव लाते हो, पैसे खर्च करते हो, लेकिन जनता के हाथ में कुछ नहीं आता है। एक बड़ी प्रॉपर्टी का उदाहरण मिला जिसके अंदर लगभग 1 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स जो उस प्रॉपर्टी वाले को नगर निगम को देना था उसको 10 लाख रुपए में सेटल कर दिया गया। जाहिर सी बात है कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी टैक्स 10 लाख रुपए तो बन नहीं जाएंगे। तो इस तरह में इसमें कोई बड़ा और गंभीर घोटाला और सेटिंग है? तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, नगर निगम के तमाम लोगों ने अंदरूनी जानकारी ये दी कि ये खेल बहुत पुराना है, बहुत लंबा है और इस खेल का पैसा ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। 1 करोड़ का टैक्स बनाओ, अगर सही टैक्स बनाओ तो 10 लाख रुपए में सेटल करो और 20-30 लाख रुपए जेब के अंदर डालो।